हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम बात करेंगे पीलिया के घरेलू उपचार के बारे में। पीलिया, जिसे इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं, लीवर में किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। कभी कभी कुछ हानिकारक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसके वजह से शरीर में पानी का लेवल घटने लगता है। मूली के ताजे हरे पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल लें, फिर छान कर इसे पी जाए। इससे मरीज की आंतें साफ होती है, लीवर की कमजोरी दूर होती है और साथ ही भूख भी लगती है। जॉइंटिस के घरेलू उपचार में प्याज का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। प्याज को छील कर बारीक काट लें, फिर उसमें नींबू का रस, पीसी हुई काली मिर्च और काला नमक पिलाकर हर रोज सुबह और शाम इसका सेवन करें। पीलिया के रोगी को साफ और ताजा गन्ने का रस पीना चाहिए। गन्ने का रस पीने से पीलिया जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। रात को सोने से पहले चने की दाल भिगो कर रखें, सुबह इसमें से पानी निकाल कर गुड़ मिलाकर इसे खाएं। कुछ दिनों तक लगातार ऐसे करने से पीलिया में आराम मिलता है। पीलिया के इलाज में नींबू का रस बहुत फायदा करता है। पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को दिन में 2 से 3 बार 15 से 20 ml नींबू का रस पीना चाहिए। 250 ग्राम दही और 10 ग्राम फुलाई हुई फिटकरी को मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। दही और छाछ का इस्तेमाल ज्यादा करें और रोटी का सेवन कम करें। गोभी और गाजर का जूस निकाल लें, इसे बराबर मात्रा में 1 ग्लास में डालकर रोगी को पिलाएं। ऐसा कुछ दिनों तक करने से पीलिया ठीक हो जाता है। लहसुन की 3 से 4 कलियां पीस कर दूध में मिलाकर पीने से ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और लीवर भी मजबूत होता है। सुबह खाली पेट 1 ग्लास टमाटर के जूस में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर पीने से पीलिया में चमत्कारी फायदा मिलता है। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे पीलिया के उपचार के लिए। इसी के साथ पीलिया के घरेलू उपचार पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।